नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं 30 इंच का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा ब्लाउज पीस है, तो ब्लाउज पीस मतलब में हम कैसा, हमको कितना मार्जिन रखना है उसी हिसाब से हम घड़ी करते हैं, मतलब फोल्ड करके इस तरफ से कपड़ा लेते हैं। तो 30 इंच का चेस्ट है, 30 का 1/4 7.5 इंच आएगा, तो उसमें हम 2 इंच मिलाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक आता है, वहीं तक हम कपड़ा बिछाएंगे। तो 7.5, 8.5, 9 इंच भी आपको कपड़ा लेके रखना है ताकि आपका कपड़ा बचत हो, इतना वेस्ट ना जाए। तो यहाँ से हम दो इंच मार्जिन लेके 9.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो 9.5 इंच का हम मार्जिन ये देखिए लगा चुके हैं। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे 30 इंच का चेस्ट है तो यहाँ से हम 5 इंच रखेंगे शोल्डर, और आर्मोर भी हम 5 इंच ही रखेंगे। ये लाइन को आर्मोर का हम सीधा कर देंगे। गला हम 2 इंच रखेंगे। तो हमारा गला 2 इंच लिए हैं, ये हमारा यहाँ से गला 6.5 इंच लेंगे। तो जो गला होता है आपके ऊपर, किसी को 7 इंच चाहिए, किसी को 7.5, तो जो गला जितना पहनते हैं उसी हिसाब से आपको लेना है गला। तो गला अगर आपको 6.5 इंच पर कटिंग कर रहे हैं तो 6 इंच पे आपका परफेक्ट आएगा, आधा इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 2 इंच चेक कर लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, और यहाँ पे हम गले का शेप दे देंगे इस तरफ से, और यहाँ से हम थोड़ा क्रॉस में ले लेंगे शोल्डर इस तरफ से। अब हम आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट हमारा 30 इंच का है, 30 का 1/4 हमारा 7.5 इंच आएगा। तो सबसे पहले हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा 7.5 इंच पे आया, और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो 7.5, 8.5, 9 इंच पे ये लाइन को हम इस तरफ से सीधा कर देंगे। यहाँ से हम शेप देंगे, हमारा फ्रंट साइड का है तो हम तो यहाँ से ऐसा घुमा के इसमें मिला देना है आपको। अब देखिए लंबाई, लंबाई हमारा 13 इंच तैयार है, ये फ्रंट साइड का है। तो हम यहाँ से 15 इंच लेंगे, 2 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ से 15 इंच पर हम निशान लगा देंगे, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 7.5 इंच लिए, 30 का 1/4, और फिर 2 इंच हमने मार्जिन रखे, और नीचे हम मार्जिन नहीं लगा, 28 इंच का हमारा कमर है तो हमने यहाँ पे पूरा ले लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए 7.5 इंच पे हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरफ से। तो अब यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा। टक्स हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए ये कितना आ रहा है, 7.5 है, तो 7.5 का हम हाफ करेंगे इस तरफ से। तो हाफ यहाँ पे हम कर दिए। अब यहाँ से हमको 4 इंच ऊपर जाना है, तो 4 इंच हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरफ से, और यहाँ से हम 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच यहाँ पे, और यहाँ से 2 इंच ये हमारा आर्म होल में आएगा। तो लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे, और इसको हम यहाँ से 2.5 इंच आपको लेना है, नीचे की तरफ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरफ से, और इसमें हम एक क्रॉस में मिला देंगे। ये हमारा जो टक्स रहता है क्रॉस में आता है, और ये आर्म होल में जाएगा हमारा, ये भी क्रॉस में ही आता है इस तरफ से। तो हमारा इस तरफ से टक्स लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे टक्स लगा लिए हैं, तो टक्स एक बार हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का ये टक्स लगाए हैं, यहाँ पे हमने मार्जिन नहीं दिया क्योंकि चेस्ट जिसे कम रहता है तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा टक्स बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम 2 इंच मार्जिन पहले से रख रहे हैं, कमर हमारा कम रहता है तो हमारा मार्जिन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा थोड़ा दबेगा तो हमने यहाँ 2 इंच मार्जिन रखे, अगर ये इतना कपड़ा दब रहा है तो अपना 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे ये कम लगेगा टक्स,
देखिए यहाँ पे 1 इंच में दोनों मतलब हो जाएगा। अगर यहाँ पे दबेगा तो 1.5 इंच दबेगा, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच का पट्टी तैयार होगा। तो अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गले की कटिंग कर देंगे। इसको हमको क्रॉस में लेना है। अब यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम टक्स जब लगाएंगे तो हमको याद रहेगा यहाँ पे इतना लेना है हमको। और यहाँ पे ज़्यादा ये टक्स लगाने से क्या होता है, पफ बन के अच्छा आता है। और यहाँ पे भी हमको एक लगा लेना है, और यहाँ पे भी। जब सिलाई हम करते हैं तो ये इसके सेंटर से ऐसा लिया जाता है, इसमें ऐसा मिलना चाहिए, सीधा आना चाहिए लाइन को इस तरफ से। और ये जो है इसको भी ऐसा गले की तरफ से ऐसा क्रॉस आता है, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा टक्स लगता है, ये सीधा ही टक्स लगेगा। अब यहाँ से हम इसका कटिंग कर देंगे बीच से। अब इसी तरह हम इस तरफ भी टक्स लगा लेंगे। अब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड में हमने 2 इंच मार्जिन रखे थे, 13 इंच हमारा तैयार था। अब इसमें हम 14 इंच लेंगे, 1 इंच बढ़ा के लेंगे। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर हम 5 इंच रखेंगे। यहाँ से जैसे हमने फ्रंट में रखे थे उसी हिसाब से हमको यहाँ पे रखना है। तो 5 इंच हम आर्मोर रखेंगे यहाँ से। तो देखिए 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरफ से। चेस्ट हमारा 30 इंच का 1/4 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच भी हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरफ से। और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, तो हम इसको पूरा ही ले लेंगे। और यहाँ पे हमको ये फ्रंट साइड का नहीं है, बैक साइड का है। तो बैक साइड में हमको 1.5 इंच का लेना है गोलाई, और फ्रंट साइड में हमको 1 इंच का। यहाँ से हम गला रखेंगे 2 इंच, यहाँ से हमको 10 इंच पे लेना है गला, ये देखिए। और यहाँ से आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच 3 इंच रख सकते हैं, जैसा आप गला चाहिए ब्रॉड। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का लिए हैं। आपको यहाँ पे 2 इंच का लेना है, यहाँ से 3 इंच का। अब यहाँ से हम इस तरफ से शेप देते हुए गोलाई का इस तरफ से हमको मिला देना है, ये देखिए। और ये लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। और 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, हमारा यहाँ पे फिटिंग ना पाता है, इसको हमको हाफ कर लेना है। तो हम यहाँ पे निशान लगा दीजिए। और जैसा गला रहता है उसी हिसाब से लेते हैं। तो गले के 1 इंच नीचे रहता है, तो 3.5 इंच में हमारा यहाँ पे टक्स लगेगा। तो 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा दिए टक्स का, ये देखिए। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा यहाँ से हम क्रॉस में ले लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। तो हमारा जो कमर है 28 इंच का है, तो हमने इसको लाइन को पूरा ले लिया। जो यहाँ हमारा दबेगा तो यहाँ पर एडजस्ट होगा, फिर मार्जिन भी बचेगा हमारा, तो इसलिए लाइन को हमने सीधा ले लिए हैं। जब गला ब्रॉड रहता है तो ऊपर की तरफ से हमको कम लेना है 2 इंच, और नीचे आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारा बैक साइड का कटिंग हो गया है, यहाँ पे टक्स भी लग गया है। अब हम बाहें की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा पीस है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पहले छोड़ देंगे फोल्ड के लिए। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का हम निशान लगा देंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। बाएं हमको 4 इंच तैयार चाहिए, हम यहाँ से 5 इंच लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग का है, ये देखिए। ये भी लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये जो लंबाई है जैसे चेस्ट के हिसाब से लिया जाता है, चेस्ट हमारा 7.5 मतलब 30 का 1/4 7.5 था, तो हमने यहाँ से 8 इंच ले लिए हैं। तो यहाँ से हम 8 इंच पे यहाँ पे हमारा निशान लगा दिए हैं। अब देखिए इसको भी हम काट के निकाल देंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे शेप देने का। तो यहाँ से हमको 2.5 इंच कम करना है, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देना है।
तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ से भी हम 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब मोहरी जो है हमारा यहाँ पे 5.5 तैयार है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। ये मार्जिन को हम इस तरह से इसमें मिला देंगे। अब देखिए इसमें हमको शेप देना है, तो हम यहाँ से इस तरफ से शेप देंगे। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच का शेप देना है। शेप देते हुए इस तरफ से आप बाहें की कटिंग, यहाँ पे आपका बीच का सेंटर हो गया, यहाँ पे हम कट लगा देंगे। ये यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो देखिए हमारी ये बाहें कट चुकी है। अब हमको यहाँ से शेप दे देना है 1/2 इंच का। फ्रंट साइड में लगेगा हमारा ये, तो इस तरफ से हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे आपको ये कट लगा लेना है ताकि आपको मालूम पड़े सिलते समय कि हमारा फ्रंट साइड का है। ये देखिए इस तरह से आपको कट लगा लेना है, तो देखिए हमारी ये बाहीं कट चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कटिंग हो चुकी है, अब इसका हम स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टक्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले टक्स हम ये वाला लगाएंगे नीचे का, इस तरफ से टक्स हमारा लग चुका है। अब हम दूसरे साइड के लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारा चारों टक्स लग चुका है, इस तरफ से हमने टक्स लगा दिए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये टक्स लग कर हो गया है। इसी तरह हम दूसरा भी टक्स लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह हमने दूसरा भी रेडी कर लिए। इस तरह से आपको टक्स लगा लेना है। तो सबसे पहले ये आपको मिला लेना है कि अपना सेंटर पे है कि नहीं, ये चीज़, ये जो टक्स है तो मेन पॉइंट टक्स पे ही आना चाहिए। और गला भी देख लेना है आपको, गला बराबर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं टक्स बराबर लगा हुआ है। इसी तरह सब टक्स इसी तरह हमने लगा लिए हैं। अब चलते हैं हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने से पहले हम एक टक्स लगा लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी टक्स लगा लेंगे। तो हम कट क्यों मारते हैं, ताकि हमको निशान मालूम पड़ता है। ये देखिए इसी तरह हम ये भी लगा लेंगे टक्स। इसको ऐसे देख लेना है आपको कहाँ पर लगाना है टक्स। तो देखिए बैक साइड हमारा टक्स लग चुका है। अब इसका हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। इसको इस तरफ से रख लेंगे हम। ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे। अब दोनों हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटी कर देंगे। अब इसको यहाँ से हम जॉइंट करेंगे। इसको बराबर से आपको मिला लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए इसको हम डबल सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने शोल्डर को जॉइंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम आई बटन और हुक बटन का पट्टी लगा लेंगे इसका कटिंग करके। अब इसमें हम इतना चौड़ा पट्टी काट लेंगे, इसमें हम आई बनाएंगे। तो आई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ फोल्ड करके सिल लेंगे। तो देखिए हमने एक तरफ सिल लिए हैं। अब इसको यहाँ से हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक सिलाई मार दिए। अब इसको हम ये जो फोल्ड किए थे, सबसे पहले सिलाई मारे थे, उसको यहाँ पे हम मिलाएंगे। इस तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लेंगे।
यहाँ पट्टी पे हमने एक सिलाई लगा ली है, इस पे हम एक सिलाई एक दाब छोड़ के लगाएंगे। इसमें हमारा आई बनता है। ये देखिए हमारा आई की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे इस तरफ। तो हुक के पट्टी के लिए भी हमको एक तरफ सिलाई कर लेना है। यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे जो हम टक्स लगाए हैं यहाँ पे एक हम चुन देंगे ताकि हमारा अच्छे से पट्टी बैठे। यहाँ पे हमारा हुक लगेगा, ये हुक वाला पट्टी हम लगा रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा दिए हैं और इसके ऊपर एक दाब सिलाई, एक पट्टी के ऊपर आपको एक दाब सिलाई मार लेना है। तो हम आपको बता रहे हैं इस तरफ से आपको दाब सिलाई मारना है। तो जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरफ से छाड़ देंगे। अब इसको इस तरफ से हम फोल्ड कर देंगे ये पट्टी को। इसके ऊपर फिर से हम एक दाब सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ से हम पट्टी के उल्टे तरफ से हम एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ पे हमारा हुक लगेगा। तो देखिए हमारा ये हुक का बन गया और ये आई का बन गया। तो इसमें हमारा ये हुक लगेगा और यहाँ पे जो हमने 1 इंच पे छोड़ के 1 इंच पे सिलाई लगाए हैं यहाँ पे हमारा आई बनेगा। ये देखिए, तो आपको इस पट्टी को फिर से वापस देख लेना है, चेक कर लेना है, कम ज़्यादा है तो उसको आपको छाँट लेना, तो बरोबर है। हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो कमर पट्टी के लिए हम एक तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे इस तरफ से। एक तरफ हमने सिलाई कर लिए हैं, अब यहाँ से हम पट्टी लगाएंगे किनारे से एक दाब छोड़ के। ये देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारा टैक्स लगा है यहाँ से हमको एक हल्का सा चुन दे देना है ताकि हमारा अच्छे से पट्टी बैठे। यहाँ भी हमको एक चुन देना है। यहाँ पे हमारा जो टैक्स लगा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर हम एक चुन देंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिए हैं, इसके ऊपर एक पट्टी के ऊपर आपको एक दाब सिलाई लगा लेना है यहाँ पे। अभी देखिए हमने दाब सिलाई लगा लिए हैं, अब इसको सब फोल्ड कर देंगे। दाब सिलाई लगाने से क्या होता है, अच्छे से पट्टी हमारा बैठता है। इसके ऊपर एक सिलाई हम और देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे सिलाई लग चुका है और यहाँ पे हमारा ये तुरपाई होगा। तो यहाँ पे एक 5 नंबर का हम सिलाई मार देंगे। जब हम तुरपाई कर लेंगे तो सिलाई खोल देंगे। तो आप देख रहे हैं 5 नंबर सिलाई हमने मार दिए, बड़े बड़े टाके आए हैं। तो जब यहाँ पे हमने तुरपाई कर लेंगे, तुरपाई करने के बाद ये सिलाई जो है ये हम खोल देंगे। इसी तरह आप चलिए इसमें आगे का जो फ्रंट है इसमें भी हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने कमर पट्टी बैक साइड में लगाए कमर पट्टी, ये देखिए इसी तरह हम बैक साइड में भी लगाएंगे। तो एक तरफ क्या करेंगे, फोल्ड करके सिल लेंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे इसको, यहाँ से फोल्ड कर देंगे थोड़ा इस तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर से एक दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरफ से खोल के पलटी करेंगे। ये देखिए खोल दिए। अब इसको हम इसके ऊपर एक दाब सिलाई फिर से हमको लगाना है।
हमने दाब सिलाई लगा दिए हैं। अब इसको फिनिशिंग के लिए दाब सिलाई लगाया जाता है और इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो हमारी दाब सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे एक सिलाई हम फिर से मार देंगे, जैसे हम कमर पट्टी में लगाए थे, यहाँ पे हमारा तुरपाई होगा। तो देखिए हमारा पट्टी रेडी हो गया है। मैंने दोनों तरफ लगा लिए हैं, इस फ्रंट साइड में और कमर पट्टी में। तो अभी हम चलते हैं बाही लगा लेंगे। तो देखिए हमारे ये बाही हैं। अब इसके हम तुरपाई करते हैं। तुरपाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे एक ऐसा फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमने कट लगाए थे, आप देख रहे हैं, और इसको हम जहाँ तक हमारा एक कट था वहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको हम बीच से सिलाई लेंगे, यहाँ पे हम तुरपाई करने वाले हैं। तो जब हमारी तुरपाई हो जाएगी तो ये सिलाई हम खोल देंगे। इसी तरह हम दूसरी भी बाही तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए हम बाही लगाएंगे, तो आपको ध्यान देना है बाही कैसे हम लगाएंगे। फ्रंट साइड में देखिए हम कट कर रखे हैं, तो जो यहाँ पे कट किया हुआ है कम है, जहाँ पे हमने शेप दिए थे वो भाग हमारा फ्रंट साइड में आएगा, और बैक साइड में जिधर बढ़ा हुआ है उस तरफ जाएगा। तो हम जो देखिए यहाँ पे हमने एक कट लगा लिए थे, अब इसको हम इस तरफ रख के यहाँ से सिलाई लेंगे। तो हम सेंटर से सिलाई यहाँ पे करेंगे, फिर सेंटर से यहाँ करेंगे, जो बाकी अगर बच गया तो हम इसको छाँट देंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसको हम इस तरफ से घुमा लेंगे। तो देखिए हमारी बाही लग चुकी है, हमने इसको बाहीं को लगा दिए हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा यहाँ पे इसको हम छाड़ देंगे। और यहाँ पे भी देख रहे हैं थोड़ा सा है, इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह हम दूसरा बाहीं भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने बाहीं लगा लिए हैं, इसमें भी बाहीं लग गया, तो दोनों बाहीं हमारी बाहीं लग के तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम गला बनाएंगे। तो गला में हम पाइपिंग नहीं बना रहे हैं, पट्टी लगाएंगे गले में। तो क्रॉस पट्टी नहीं लिए हैं हम, सीधा पट्टी, ये देखिए हम सीधा पट्टी इस तरफ से लिए, सीधा पट्टी काट के इस तरफ पे फोल्ड करके हमने सिलाई कर लिए हैं। इसको फोल्ड करके एक दाब सिलाई एक सिलाई लगा दिए हैं हम। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से गले की तरफ से रख के आपको सिलाई लगा लेना है। तो जब हम पट्टी लगाते हैं तो यहाँ पर एक एक से थोड़ा छोटा प्लेट से देना पड़ता है, तो प्लेट्स देने से अच्छा बैठता है। तो ये हमारा क्रॉस पट्टी नहीं लिए हम, इसको सीधा पट्टी लिए हैं। तो जब कभी कपड़ा कम रहता है तो आप सीधा पट्टी से कटिंग करके आप लगा सकते हैं। ऐसा आपको छोटा छोटा प्लेट्स दे दे के सब जगह लगा लेना है पूरे गले में। तो देखिए हमने ऐसा छोटे छोटे प्लेट्स दे के ये सीधा पट्टी हमने कटिंग किए थे, तो सब जगह हमने प्लेट्स लगा लिए हैं पूरे गले में, आप देख रहे हैं। अब इसको फोल्ड करके आपको इसके ऊपर एक सिलाई लेना है। तो इसको हमने इस तरफ से छोड़ दिए थे, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ पकड़ेंगे और इसको हम इस तरफ फोल्ड करेंगे गले की तरफ, अंदर साइड हम इसको ऐसा फोल्ड करके अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई लेंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लिए थे प्लेट्स के ऊपर, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा लिए हैं, आप देख रहे हैं तो गले पे बहुत अच्छा बैठा हुआ है सिलाई। तो इस तरफ से आपको भी सिलाई इस तरफ से लगा लेना है। तो अभी हम आपको फिटिंग बताएंगे, फिटिंग हम कैसे करते हैं। तो अब हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी जो हमारा है तैयार 5.5 इंच था, तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए तो 5.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिए हैं। अब देख लेते हैं चेस्ट, चेस्ट हमारा 30 था, 30 का 1/4 7.5 इंच आएगा। तो ये पट्टी को छोड़ के आपको यहाँ से लगाना है, तो 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे इस तरफ से। और ये हाथ का जो मोहरी है इसमें हमको मिला देना है इस तरफ से। अब हम कमर की तरफ देखते हैं। तो कमर हमारा 28 इंच का था, ये सेंटर पे हमने लिए हैं, तो 28 का 1/4 हमारा 7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारी यहाँ से सीधी सिलाई आई, और यहाँ पे हम अब इसको हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे 5.5। और अपना 3 नाप रहता है, एक मोहरी का रहता है, एक चेस्ट का रहता है, एक कमर का रहता है। तो यहाँ से हम सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे एक लॉक सिलाई कर देंगे इस तरफ से। और ये जो है भाग इसको ऊपर जाने देने का, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको इसी तरह सीधी लाइन लाना है। अब यहाँ से आपको एक मतलब 1/4 इंच का सिलाई लगा लेना है, 2-3 सिलाई। तो देखिए हमने फिटिंग का नाप लगा लिए थे, इसके बाद हमने 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लिए हैं। इसी तरह हम इस तरफ भी लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लिए हैं, तो हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।